दस का औसत 46 है, बाद में पता चला 142 के पर 42 ले लिया गया, तो सही औसत क्या है? तो देखिएगा 142 के स्थान पर गलती से 42 ले लिया गया था, इसलिए 42 को हटाइए और 142 को लाइए। कितने का फायदा? अब बटा कै के लिए यानी औसत में वृद्धि, जल्दी बोलिए। तो 46 और 10, गलती से 42 ले लिया गया था, तो 42 हटा दीजिए और 142 को ले लीजिए, बनेंगे। देखिएगा 1477700 हो गया कब? बी के वेतन में 5.5% की, तो 5.5% का मतलब समझते हैं 11/2% का मतलब 200 से कटने वाला ना चाहिए। तो ऐसा करिए 6:7 है, तो 6 को भी 2 से गुना कर लीजिए और 7 को भी, नहीं समझे काहे 200 से गुना किए, क्योंकि 11/2% निकालना, 11/2 का मतलब 11/200%, 11/200 से 200 कट जाएगा, 77 बढ़ गया, तो टोटल जल्दी जोड़िए 1200 और 1400, 2677, 2600, तो टोटल का तुलना टोटल से ए का वेतन, यानी जल्दी बोलिए। अब पूरे पूरे आंसर है विद्यार्थी जी, 2 0 और 2 0, 4 0 तो होना ही चाहिए। पूछिए क्यों? क्योंकि 0 को काटने वाला केवल 2 और 5, तो नीचे ना तो 2 है ना तो, 4 0 वाला आंसर होना चाहिए, तो ये केवल कैंसिल, बाकी सब 4 0 के बाद विद्यार्थी जी 12 से कटने वाला चाहिए। कितना से कटने वाला? तो 12 से ही नहीं कटेगा, ही नहीं कटेगा, यही आंसर होगा, चेक कर लीजिए। लेकिन आंसर नहीं आ रहा है क्या? यदि बी के वेतन में इतना की वृद्धि हो गई तो उसका कुल वेतन, माफ करिए, बी का कुल वेतन दिया हुआ है, तो बी का कुल वेतन जल्दी बोलिए 1400 लीजिए, बन जाएंगे। देखिए स्टेप गलत था, फिर भी आंसर सही था, बी का कुल वेतन दिया हुआ था, बी का तुलना बी से बढ़े, बढ़ा जाए। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज है, वो भी कह कर मापर, तो 2.5 वर्ष है, तो 2.5 वर्ष का मतलब 30 माह, तो 10-10 माह की 3 अवधि होगी, 10-10 माह की 3 अवधि, तो 12% की दर से 3 वर्ष का दिया हुआ निश्चित राशि, 12% की दर से इतना रुपया हो जाती है, यानी मिश्रधन ना, तो सीखिएगा 12% का मतलब मूलधन 100, तो मिश्रधन 112 एक साल में ना, और 3 अवधि का मतलब पावर। अब रुकिए रुकिए आंसर सीखिए ना, पहले तो हम लोग काट लेंगे 4 से 28 बार, तो ध्यान दीजिए 9982.5 दिया हुआ 28 का क्यू, किसका क्यू दिया हुआ है, और निकालना है मूलधन, यानी जल्दी बोलिए 25 का क्यू ना, क्या निकालना है 25 का क्यू, सही है। अब सीखना है सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कटेगा कब,
क्या सॉरी, हाँ मैंने तो एक गलती कर सीखी, हाँ पूरी गलती कर चुकी। 12% प्रति वर्ष में था तो 10 माह में तो 10% 12% 12 माह में थे, 10 माह में तो 10% बढ़ेगा कई बार, 3 बार। तो मूलधन 100 तो मिजदान 110 यानी 10 अनुपात, और 3 अवधि का मतलब पावर। अब सीखे 9982.5 का तुलना 1300 और गुने 1000 होगा। पहले तो दशमलव के लिए 1 जीरो खत्म हो जाएगा, 2 जीरो हर हालत में चाहिए क्योंकि 0 को काटने वाला कोई है नहीं, तो 2 जीरो तो इसमें है नहीं, कैंसिल। और 2 जीरो के बाद 25 से कटना चाहिए, 2 जीरो के बाद किससे कटना चाहिए, तो 2 जीरो के बाद 25 से ही कट नहीं रहा है, 25 से ही कट नहीं रहा। आंसर कौन होगा? पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 कैसे आया ये बता दीजिए। 12 माह में 12%, तो 10 माह में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कई परसेंट, और अवधि हो गई 3। 3 कैसे, समझ में आ रहा है? आया समझ में? तो आज पहली बार 10 मासिक से पुणे अर्धवार्षिक सुने थे, तिमाही सुने थे, छमाही सुने थे, लेकिन 10 माह पे तो नहीं सुने होंगे। तो कुछ भी आ सकता है, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। चलिए सब तो पढ़वे किए थे, सीखिए। 72 का मतलब विद्यार्थी जी जो 8 से भी कर जाए, और तो पहले किसका नियम लगाएंगे, 8। 8 से कटने का मतलब जिसका अंतिम दस भूल गए अंतिम दो अंक, तीसरा अंक अगर इवेन हो तो अंतिम, तो मैंने कहा 2 रखेंगे कट जाएगा 8 से, यानी 22 की जगह क्या हो गया, 2। 22 की जगह 2। अब 9 से कटने का मतलब 9 के अंकों का जोग ना कटना चाहिए, तो देखिए 9 खत्म, 8, 5, 13, 6, 19 में 9 खत्म, 3, 1, 4, 8, 4, 12 का मतलब 3, यही तो 9 खत्म, यानी यहां जल्दी बोलिए, यानी x का मान 6, तो 6 - 3 - 6 यानी 36 का वर्गमूल, जल्दी बोलिए। कुछ गड़बड़ तो बोलिए। नेक्स्ट भाई, सत्य 21। अब ध्यान दीजिए, 6 में से 3 से भाग दीजिए 2, 45 में 5 से 9, 6। अब जोड़ घटाओ बच गया, समझ गए? ये हो गया 21 + 5 - 2 - 9 + 36 - 45। सही है? तो चलिए ध्यान दीजिए, सीखिएगा। 45 और 9 = 54 + 2 = 56 - 36 = 56 यानी 5-1। क्या आंसर भी आया आप लोग? बन जाना चाहिए। एक टीवी इतना रुपए में मिलता था, दिवाली सेल के दौरान घट कर इतना हो गया, तो प्रतिशत छूट, छूट प्रतिशत कटता है, तो काटिए जल्दी से, 0 से 0 खत्म। आगे देखिएगा, 29 से कटना चाहिए, 29 + 5 = 29 - 29 = 16 + 2 = 41 बार में, यानी 100 का समान 82 में, यानी आंसर। टाइम नहीं लगाइएगा, बोल नहीं रहे आप लोग, सही है? एक दुकानदार ने एक वस्तु 20% लाभ पर बेची, यानी पहला सेल विद्यार्थी जी 120, पहला सेल 100 आगे। अगर वही से 20% कम में खरीदता, यानी कितना में खरीदता, और 25% लाभ पर बेचता, तो इसका 25% 20 ना,
अने नया सेलिंग प्राइस हो गया 100। बोलिएगा सर इसको काहे नहीं पढ़े, 10 रुपया निश्चित राशि ना था इसलिए इसको रोक कर रखते हैं। 10 रुपया कम में बेचता है, यहां जल्दी देखिए कितना कम में बेचा। निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य यानी गुना 100। आंसर कितना आया समझ में? क्रय मूल्य अगर 100 तो पहले बेचा था 20% लाभ, मतलब 120। केवल इस क्वेश्चन की जान यही है कि 10 को बीच में पढ़ना नहीं है, और जहां 10 को पढ़ने लग गए तो आपको एक मानना पड़ेगा। चार वर्ष में हो गया 13,200 और 8 वर्ष में समान प्रतिशत दर से साधारण ब्याज पर हो गया 16,000। 13,200 था जो 16,400 हो गया, यानी कितना की वृद्धि हो गई? 3200 के। चार वर्ष में 3200, चार वर्ष में इतना था और 8 वर्ष में इतना हो गया, यानी 4 वर्ष का ब्याज हो गया 3200। 4 वर्ष का ब्याज कितना? यानी 1 वर्ष का ब्याज, जल्दी बोलिए। चलिए 4 वर्ष का ब्याज इसमें घटा दीजिएगा तो मूलधन हो गया 10,000। मूलधन जल्दी 1,000, सॉरी 13,000 था तो 10,000। तो मूलधन मालूम है, ब्याज आपको मालूम है, तो पूछा क्या जा रहा है जल्दी बोलिए। समान राशि मतलब 10,000 रुपये की राशि, कितने रुपए की राशि? 10% प्रतिवर्ष की दर से 3.5 वर्ष का ब्याज, तो 3.5 वर्ष का मतलब 35% ब्याज हो जाएगा, अर्थात आंसर जल्दी बोलिए। पहले मूलधन निकाले, उस समझ में आया आप लोग को? हमने कहा 4 साल में 5,000 हुआ और 7 साल में 6,000 हो गया, इसका मतलब 2 साल का ब्याज 1,000। तो 4 साल में इतना हुआ और 8 साल में इतना हो गया, यानी 4 साल का ब्याज हो गया 3200। तो 4 साल का ब्याज 3200 अगर घटा देंगे तो मूलधन हो जाएगा 10,000। कि लिख के बताएं जल्दी बोलिए, चलेगा? नेक्स्ट।